वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आज हमने बहुत ही यूनिक सब्जी बनाई है, अंडे का फंडा। मैंने 7 eggs तोड़ के ये पैन में डाला है और उसमें मैं स्वादानुसार नमक डाल के और इसको विस्क करती हूँ। अब ये एग अच्छी तरह से विस्क हो गया है। यहाँ मैंने एक पैन में पानी बॉईल करने को रखा है और एक रिंग भी डाल दी है, तो जिसमें मैंने ये एग्स विस्क किए हैं वो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये 15 मिनट्स तक ऐसे ही स्टीम होगा, अच्छी तरह से पूरा स्टीम हो जाएगा। जब तक एग स्टीम हो रहे हैं, हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने 2 tablespoons दही ली है जिसमें मैं ग्रेवी के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। ये हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसमें मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ जिससे इसकी टेस्ट, कलर इसका बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ दही में सब मसालों को। दही बहुत थिक है, इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे। पहले दही को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। अब मैंने 2 tablespoons तक इसमें पानी डाल दिया और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये हमारा दही वाला मसाला तैयार हो गया। अब मैंने ये 2 medium-sized टमाटोज ली है, इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने 3 medium-sized अनियंस को फाइन चॉप करके रखा हुआ है। अब मैं ऑयल में ये एक ग्रीन इलायची और एक क्लव लौंग डाल रही हूँ और थोड़ा जीरा भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसी में मैं ये अनियन डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाली है 1 tablespoon और इनको फ्राई करेंगे अनियन थोड़ा पिंक होने तक। यहाँ एग भी स्टीम होके तैयार हो गया है। मैं अंदर देखो नाइफ डाला तो इसमें बिल्कुल भी नाइफ में नहीं लगा है, मींस ये तैयार है। तो गैस ऑफ कर दिया है मैंने अभी। अब अनियन थोड़ा ब्राउनिश हो गया है तो मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ और ये जो दही का मसाला बनाया मैंने वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में दही नहीं है तो आप यही मसाले पानी डालकर भी बना सकते हैं और फिर टमाटोज की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 tomato लिया है, आप 2 या 3 tomatoes ले सकते हैं। अब इसको मैं लो फ्लेम पर ये ग्रेवी को कुक करूँगी, जैसे अनियंस अच्छी तरह से और टमाटो प्यूरी भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। कवर करके मैं इसको कुक कर रही हूँ अभी। इसी में मैं थोड़ा पानी जो मसाला डाल बनाया था वो मिक्स करके उसमें ही वो पानी इसमें डाल के और इसको लो फ्लेम पर कवर करके कुक करती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर जो एग स्टीम किया मैंने, इसको
साइड्स अलग कर देती हूँ और इसके पीसेस कट करती हूँ क्यूब्स में। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी पनीर तैयार हो गया एग में से। अब यहाँ ग्रेवी पूरी कुक हो गई है तो इसको हम थोड़ा सा मैश करेंगे और जो भी इसमें वाटर है थोड़ा बहुत वो पूरा एब्जॉर्ब होने तक वेट करेंगे। जो बबल्स आपको दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब ये ग्रेवी बिल्कुल कुक हो गई है तो इसमें हम पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थिकनेस चाहिए। मैं थोड़ा पानी और इसमें डालती हूँ। लगभग 1 कप मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अब जो हमने एग के क्यूब्स कट करके रखे, अगर आपको चाहिए तो आप वो थोड़ा सा शेलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं विदाउट फ्राई करने के डालूँगी। अब इसमें बॉईल आ गया है, आ रहा है, तो ऐसे समय पर मैं ये जो एग के क्यूब्स थे वो डाल रही हूँ और इनको हल्के से मैं मिक्स करूँगी। टूटेंगे तो नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। बहुत ही यूनिक और डिलीशियस सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये है अंडे का फंडा, अंडे से हमने बनाई पनीर की सब्जी। अब इसको हम ऊपर से थोड़े से कोरिएंडर डाल देंगे। अंडे का पनीर तैयार हो गया और इसे आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।